नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन बाइंग की सीरीज में हम अब पहुंच गए पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 5 में हमने क्या बात की थी, गैप अप और गैप डाउन को किस तरह से समझते हैं। ठीक है, मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत सारी कमेंट आई उसके ऊपर से। देखो, आज मैं बात करने वाला हूं और भी इंटरेस्टिंग चीज की, जो कोई नहीं सिखाने वाला, और उसके लिए भी हम लैपटॉप पे जाएंगे, चिंता मत करना। वो चीज का नाम है भी क्वालिटी बायर्स और क्वालिटी सेलर्स को कैसे ढूंढे। अब आप बोलोगे कि सर इसकी क्या जरूरत है, देखो यही तो हम लोग फंसते हैं। सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एंट्री कहां पे करनी है। एज अ ऑप्शन बायर हमें एंट्री वहीं करनी चाहिए जहां पैसे ऐसा लगे कि नहीं, यहां पे से ज्यादा क्वालिटी बायर्स आने के चांसेस हैं, यहां पे से ज्यादा क्वालिटी सेलर्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हम ये सोच ना पाए और हम कहीं पे भी एंट्री कर ले जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, गलत ट्रेड में भी जा सकते हैं, अननेसेसरी स्टॉप लॉस भी हर्ट होगा। फिर आप ही लोग ऐसा सोचोगे, यार सभी रूल्स तो फॉलो कर रहा हूं मैं, रिस्क मैनेजमेंट तो मैं कर रहा हूं, फिर मैं क्यों लॉस में जा रहा हूं। आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं ये कॉल साइड एंट्री ले रहा हूं तो क्या मेरे साथ एग्रेसिव और क्वालिटेटिव बायर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं ये पुट के साइड जा रहा हूं तो क्या एग्रेसिव सेलर्स या तो क्वालिटेटिव सेलर्स आएंगे कि नहीं, ये कोई नहीं सोचता और ये कोई नहीं सिखाता। यही कंसेप्ट मैं आपको चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल्स दिखा के अभी बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। तो अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप पे। देखो, देयर इज नो एनी शॉर्टकट। जब क्वालिटेटिव लर्निंग चाहिए होती ना, तब शॉर्टकट नहीं होता। ये देखो, आज का एक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा हर मॉर्निंग को या तो इवनिंग को एक एनालिसिस जाता है मेरे ट्रेडर्स को टेलीग्राम चैनल में। तो आज की रेंज मैंने ये निकाली थी, ये वाली रेंज। सो यू विल सी इस रेंज के ऊपर ही सीधा बहुत बड़ी बाइंग आ गई है, राइट? ये रेंज में मार्केट रहा ही नहीं है। मैं अभी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी ने काफी सारे ट्रेडर्स को आज ट्रैप किया है। बट अंडरस्टैंड के ये रेंज है, इस रेंज को मैं क्या बोलता हूँ कि या तो इसमें नो ट्रेड जोन इसको बोलता हूँ, या तो इसमें मल्टीपल SL हीट होंगे। कोई ना कोई रेंज ऐसी होती है कि जहां पे दोनों तरफ से फाइटिंग आएगी। बट इस रेंज के ऊपर बाइंग आने का एक्सपेक्ट था, तो आई कि नहीं आई बाइंग, ठीक है? फिर से यहाँ पे पॉज लिया, फिर से उसने बाइंग लाई कि नहीं लाई, और इस रेंज को डाउन साइड क्रॉस किया तो सीधा सेलिंग आ गई। दूसरा, अभी जो बैंक निफ्टी डिफेंड कर रहा है ये लेवल को, एग्जैक्ट उस लेवल पे रुका हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले यहां से मार्केट गिरा था पूरा। तो एग्जैक्ट यही मैंने स्क्रीनशॉट और यही वीडियो मैंने मेरे ट्रेडर को भेजा था, किस तरह से ये रेंज काम कर रही है, किस तरह से ये रेंज काम कर रही है। प्राइस एक्शन इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी, प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट क्या प्रोबेबिलिटी को कितना पहचान पाते हो कि कहां पे कौन सा ट्रेड कौन सी क्वांटिटी में लेना है। यही तो लोग मिस आउट कर जाते हैं। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं, मैं आपको थोड़े क्वेश्चन करना शुरू करता हूं अभी, ठीक है? कि भाई जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम क्या सोच के ट्रेड लेते हैं। देखो यहां पे आ जाओ, ये कुछ दिनों का कुछ एनालिसिस करते हैं। देखो क्या हो रहा है ये कुछ दिनों में, यू विल सी कि यहाँ पे लास्ट में बाइंग गई थी, फिर क्या हुआ था ये सेलिंग बाइंग में पूरा कन्वर्ट हो गई थी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेटेड टू बाइंग आया था, राइट? फिर यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों आया था, बाइंग और सेलिंग, ठीक है? ये भी सेलिंग में रख देता हूं। फिर यहाँ पे इतनी अच्छी बाइंग आ गई। अब अंडरस्टैंड मैं चीजों को कैसे देखता हूं, ये रहा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और ये मेरा 5वां दिन। तो मैं लास्ट दिन में जाके देखता हूं कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सेकंड हाफ में बाइंग आ रही है। यहाँ पे पूरी सेलिंग को उसने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे कंसोलिडेटेड टू बाइंग के सिनेरियो में चला गया। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग आई सही, बट इसलिए लेवल का ये लो तोड़ा नहीं है। तो मार्केट की ज्यादा पॉसिबिलिटी कॉल तरफ बढ़ रही है, पुट की तरफ नहीं बढ़ रही है मार्केट की पॉसिबिलिटी, राइट? समझो कि मार्केट आपसे बात क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये चीज सीखो। फिर अगर मुझे जानना हो कि कहां से भी क्वालिटेटिव बायर एग्जिट हो गए, देखो हर बार मैं कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल लाइन में ना मैं ड्रॉप करता रहता हूं, मैं ड्रॉ करता रहता हूं। देखो यहां से इस मूवमेंट को कैसे पकड़ सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मार्केट खुला तो गैप डाउन हुआ तो मेरा कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं इक्वेशन फॉलो करता रहता हूं कि गैप डाउन हुआ, फिर मैं ये फॉलो करता हूं कि क्या 15 मिनट का लो ब्रेक किया, तो क्या 15 मिनट का लो ब्रेक नहीं किया, तो मेरे लिए वो अच्छी चीज है। फिर क्या हुआ, एक मैं 10:15 बजे तक रुकता हूँ, राइट? सो क्या हुआ कि 1 घंटे का यहाँ पे तो हाई क्रॉस हो रहा है, तो मुझे पता चल गया कि ये तो कॉल साइड ही जाना है, यहाँ पे पुट साइड का तो नामो निशान भी नहीं है। दूसरा एक और चीज, अगर यहाँ पे इसने गैप डाउन के बाद रुका है ना, तो
तो आप लाइन ड्रॉ करो ना, मैं हर बार ऊपर नीचे कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करके उसका एक लॉजिक लगाने की कोशिश करता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड समथिंग ब्यूटीफुल। ये लाइन इस डे को बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट करती है। क्यों कोरिलेट करती है, आप समझो यहाँ पे गेम क्या चला था। ये जो लेवल है, ये लेवल है ना, ये लेवल यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ने रिकवर करने की ट्राई की थी, मतलब बायर्स आ रहे थे, फिर इसको धक्का मार के सेलर्स ने हटा दिया, तो सेलर्स आ गए, फिर मार्केट में अचानक इतनी बड़ी बाइंग आ गई, राइट। सो ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्रॉस करे तभी हम मानेंगे कि बायर्स आए मार्केट में, वरना ये भी हो सकता था ना, बायर ने ट्राई किया सेलर आ गए, फिर बायर ने ट्राई किया फिर सेलर आ गए, ऐसा हो सकता था ना, पर ऐसा हुआ नहीं। अच्छा वो तो नहीं हुआ, बट इस लेवल को ऊपर डालने के बाद ये मार्केट दूसरे दिन कंसोलिडेशन में बाइंग में चला गया, यहाँ पे न्यूट्रल क्लोज दिया, बट कोई भी सेलर इस लाइन के नीचे नहीं जा सका जहां से करीबन दो दिन पहले ये बायर्स एक्टिवेट हुए थे। तो मेरा ध्यान क्या रहता है बताए कि ये बायर्स है ना, ये बायर्स, ये बहुत अच्छा डिफेंस देंगे, डिफेंस, बिग डिफेंस। और आप देखो कि यहीं पे ही उसने लो लिया है। अंडरस्टैंड मार्केट कहां पे खुलता है, कहां पे बंद होता है, क्या हाई होता है, क्या लो होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। समझ आ रहे बात, तब पता चलता है कि कहां से फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस है, तब पता चलता है कि भाई क्वालिटेटिव बायर्स कहां पे आएंगे, तब पता चलता है क्वालिटेटिव सेलर्स कहां पे आएंगे, उस हिसाब से मार्केट को ढालना पड़ता है। अब देखो यहाँ की मैं बात करता हूँ, ये भी आप देख लो ये चीज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस दिन पे ट्रेड करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं नोटिस करूंगा गैप अप है, क्या बात है, गैप अप हुआ, 15 मिनट का भी लो नहीं तोड़ा, 15 मिनट का लो नहीं तोड़ा, अच्छी बात है। और क्या हुआ, मैं 10:15 बजे तक ग्राह देखता हूँ, इसका रीजन क्या है, मैं उस ट्रेडर में से नहीं बिलोंग करता, उस कम्युनिटी में से, एक कैंडल बनी और मैं आंख बंद करके ट्रेड कर लूंगा, इट्स ओके, मैं दुनिया भर के मूवमेंट मिस कर दूंगा। देखा ये दोनों कैंडल का यहाँ पे हाई हुआ, वो क्रॉस ही नहीं कर पाए, और अभी मार्केट में कितने बजे होंगे, ये 15 मिनट की कैंडल, ये 15 मिनट की कैंडल, और ये 15 मिनट की कैंडल, और यहाँ से नीचे आ रहा है। सो ऑफकोर्स जब चार कैंडल होती है तब एक घंटा होता है, और इसने 1 आवर का हाई तो क्या 45 मिनट्स का भी हाई क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे ये फेल जा रहा है, चीजें फेल जा रही है। तो मैं कॉल साइड क्यों जाऊं, क्योंकि मुझे कॉल साइड जाने के लिए कम से कम 1 आवर का हाई तो वो अपसाइड क्रॉस करे, यहाँ पे ऑलरेडी अपर साइड मूवमेंट उसने इतनी बड़ी दे दी है, फिर यहाँ पे दो कैंडल भी अपसाइड जा रही है, राइट। अब दूसरा एक लॉजिक कि मैं देखता हूं कि आजू बाजू कहां पे रेजिस्टेंस है, तो ये रहा रेजिस्टेंस, तो मैं क्या सोचता हूँ बताए, मेरे लिए सिचुएशन क्या होगी कि भले उसने गैप अप क्रिएट किया, भले वो 15 मिनट का हाई भी क्रॉस कर रहा है, बट इस तरह से वो ऊपर जा रहा है तो नजदीकी कुछ रेजिस्टेंस तो नहीं है, कोई दीवार तो नहीं खड़ी है मेरे लिए, ये रही दीवार, तो पहले वो दीवार को क्रॉस करे और वहां पर ठहरे, तब मैं मानूंगा कि ये सेलर्स को भी उसने टेकआउट कर दिया, क्लीन बॉल कर लिया, तब मैं यहां से कॉल सी पॉसिबिलिटीज में जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। वरना एक मेरा एक और सेटअप है जिसको मैं बोलता हूँ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम अपसाइड, कि गैप अप होता है मार्केट, मार्केट 1 आवर का हाई तोड़ नहीं पाता है और वहीं से 2 कैंडल का लो तोड़ के नीचे की तरफ जाता है, तो मैं या तो यहाँ पे पुट में जाने की कोशिश करता हूँ, और वो भी 50% क्वांटिटी मेरी लॉट साइज के, जो नॉर्मल मेरा बजट है, मार्जिन है जिसने मैं लॉट लेता हूँ उसका 50%। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है और ऊपर से प्राइस रिजेक्शन नीचे आता है तो वहां पे रिस्क रहता है कि मार्केट कभी भी रिकवर हो सकता है। सो मैं पुट के मूवमेंट जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन है कि इसको रिजेक्ट मारा है, 1 आवर को रिजेक्ट मारा है, तो ये नीचे जाएगा, बट आई विल कैलकुलेट ओनली 50%। और अभी नेक्स्ट दिन देखो, उससे दूसरे दिन क्या हुआ, ये जो लेवल था इसको ऊपर की तरफ संभाले रखा, ना कि नीचे की तरफ, तो और बोलता है कि भैया ये तो कॉल की साइड प्रोबेबिलिटी बन रही है, ना को पुट की साइड, पर वो जा नहीं पा रहा है। और जो हम इस दिन की बात कर रहे थे ना, जो मैं आपको समझा रहा था अभी 2 मिनट पहले, वो लेवल यहाँ पे क्यों रुका, वाई, अब आप बताओ मुझे वो यहाँ पे क्यों रुका, जो अभी मैंने बताया ना आपको, ये जो पूरी सिचुएशन गेम मैंने समझाई ना, मेरा वीडियो थोड़ा बैक जाके देख लो, पीछे जाके देख लो, देखो ये यहाँ पे क्यों रुका, अब आप बोलो मुझे, ये भैया इसलिए रुका क्योंकि ये तो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, अच्छा रेजिस्टेंस था तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे फेल हुआ था ना, और मार्केट उसके दूसरे दिन भी इस लाइन के ऊपर ही था, इसके दूसरे दिन भी लाइन के ऊपर ही था, फिर सेलर आए, फिर यहाँ पे रुक के ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे,
समझ समझ आए, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एक ही, वो कितनी जगह पे काम कर रही है। फिर यहां पे क्या पता चल रहा है, यहां पे बायर ने ऐसा डिफेंस किया था और यहां पे दूसरी बार बायर्स एक्टिवेट हुए थे इस सेलिंग को निकालने के लिए, वही चीज हमें यहां पे काम आ गई। हॉरिजॉन्टल लाइन जिस दिन आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे ना, आपको एक ही, देखो आपको कई बार क्या होगा, एक एक वीक तक एक लाइन होगी ना, वो इतनी काम आएगी। देखो अब मुझे ये भी पता नहीं था, यही चीज यहीं से भी रिलेट करती है कि एक्चुअली सेलिंग तो यहां से स्टार्ट हुआ था, तो मार्केट को तो बहुत रिकवर करके ऊपर जाना पड़ा। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो ये तरीके होते हैं कि आप एक्टिव बायर्स और एक्टिव सेलर्स को आप कैसे चुनोगे। मैं अभी इसको आउट ऑफ फिट कर देता हूँ। देखो यहां से भी जो जो मेजर सेलिंग आई है और उसको वो टेक करके जाएगा, जैसे कि ये चीज है, राइट? सो अंडरस्टैंड कि यहां पे भी क्या हो रहा है। सबसे पहले धुआंधार सेलिंग आ गई, उसको थोड़ा बायर ने रिकवर किया, ये दिन गिन नहीं सकते, एकदम कंसोलिडेशन हुआ। तीसरे दिन नीचे जा रहा है मार्केट, मैं रुका हुआ हूं, ओहो रेड कैंडल्स आ गई, मार्केट नीचे जा रहा है, बट वन आर का लो तोड़ नहीं पाया और मैं देख रहा हूँ 360 डिग्री टर्न कर रहा है। अब क्या हुआ बताए, मेरे लिए डिसीजन मेकिंग ये रहेगा ना कि भाई इसको तू टेकआउट करके देखा, और देखो वो लेवल को चूज करने के लिए उसको तीन कैंडल लगी, तीन कैंडल मतलब 45 मिनट तक स्ट्रगल किया उसने इस लेवल को तोड़ने के लिए, और फिर ये यहां से भागा, राइट? ये लेवल को करने में। सो आई विल वॉच दिस गेम के क्या हो रहा है, मैं ये इंडिकेशंस पढ़ूंगा कि यहाँ पे ये मार्केट कौन सी गेम खेल रहा है मेरे साथ, क्या मुझे सिग्नल दे रहा है, राइट? काफी सारी जगह यू विल सी कि सेम लाइन इज वर्किंग, कि भाई ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे, मल्टीपल पुलबैक्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक यहां से जो सेलिंग आई थी, एक सेलिंग आई थी, देखो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ ना कहीं इसका जो हाई है वो इतना ज्यादा ये क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है? मैं चाहता हूं कि ये इसका हाई क्रॉस करे, यहाँ पे अपसाइड एक नई कैंडल बनाए। तो एक तो ये रेजिस्टेंस हुआ R1, आज सुबह सुबह उसने R2 दे दिया, भले गैप अप दिया, बट बाद में 15 मिनट का हाई तो क्रॉस नहीं कर सका, 15 मिनट का बाद में उसने लो ब्रेक कर दिया। मेरी पॉसिबिलिटी पुट साइड जा रही है अभी धीरे धीरे, और मुझे पता है यहाँ पे क्वालिटी सेलर्स आए थे, दूसरे दिन मार्केट को इतना ऊपर नहीं ले जा सके। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे उसने हाई रिजेक्ट कर दिया, 15 मिनट्स का लो ब्रेकअप कर दिया, मार्केट नीचे गया, उसके दूसरे दिन भी मार्केट एकदम ही नीचे गया। दूसरे दिन का भी लॉजिक क्या होगा, मैं चाहूंगा अगर मैं कॉल साइड जाना चाहता हूँ तो दूसरे दिन भी मैं बिलीव करूंगा कि भैया तू इसका कम से कम हाई तो निकाल, कम से कम अपना एक घंटे का हाई तो ऊपर ले जा। तो वो नहीं ले जा पा रहा है, तो मेरी पुट की साइड ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। सो अंडरस्टैंड, एक्टिव बायर एक्टिव सेलर का आप खेल समझो, कहां से मेजर बाइंग आई थी लास्ट में, कहां से मेजर सेलिंग आई थी, दीज आर योर क्रूशियल पॉइंट। देखो यहां से जो एक लाइन तोड़ के वो मेजर बाइंग आती है ना, वो बाइंग कहां पे आई टच करके, फिर से यहां पे आया ट्राई करने के लिए। तो इस लेवल पे आंख बंद करके पुट में नहीं जाना है हमको, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बायर्स है तो बायर्स खड़े होंगे, फिर से उसको डिफेंड करेंगे। अब कौन कितनी बार कितना डिफेंड करेगा वी डोंट नो, पर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो आसानी से चीजें पता कर सकते हैं कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो ये उसने अगर हाई बनाया है, कहीं ना कहीं यही स्ट्रगल करके ऊपर जा रहा है, नीचे यही ठहर रहा है, फिर से वो ऊपर जा रहा है, और दूसरे दिन जो गैप डाउन खुला, देखो जो गैप डाउन खुला उसमें क्या हुआ, सीधा ये जो लेवल था ये देखो, ये पता चल रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, ये दिन को इसके ऊपर ही गया, तीसरे दिन यहीं पे ही चल रहा है ना, तो ये फिर से एक रेजिस्टेंस बना क्योंकि इसके ऊपर नहीं खुला, और यहाँ पे फिर से जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ा है ना उसने फिर से अपसाइड की तरफ, यस और नो? तो ये जो एक चीज है ना, ये क्या थी कि यहां से सेलर्स आ गए थे, बहुत बड़ा दगा दिया था, वही सेलर्स फिर से यहाँ पे एक्टिव आए थे दूसरे दिन, ठीक है? इसलिए मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ पे टाइम बिताया क्यों, क्योंकि बायर्स डिफेंड कर रहे थे इसको कि अब नहीं नीचे जाने दूंगा। बड़ी कैंडल क्यों आई, छोटी कैंडल भी आ सकती है, राइट? बट इस लेवल को ऊपर जाने के लिए यहाँ पे बायर्स को बहुत ज्यादा डिफेंड करना पड़ा। ओके, यहाँ पे रुका क्यों ये वाला रेजिस्टेंस क्यों, ये इतने दिनों का हाई लो क्या है, पिक्चर क्या बन रहा था, अभी ये मार्केट ऊपर चला गया, मैं मिड मार्केट में इसको देख रहा हूँ तो मैं सोचूंगा यार मैं कॉल तो लूंगा यहाँ पे, मार्केट तो अच्छा चल रहा है, बट मार्केट की नेक्स्ट चैलेंज क्या है मेरे लिए कॉल साइड के लिए।
तो ये रहा जो दो तीन दिन का जो एक हाई बन रहा है, कहीं वो नजदीक में है, तो सेलर ने इसको फिर से और आगे नहीं जाने दिया। सो व्हेनेवर यू गो फॉर अ कॉल और पुट, अंडरस्टैंड कि मार्केट के लिए कॉल की नियर बाय चैलेंजेस क्या है, वहां पे मत ट्रेड करो, उसको क्रॉस करने दो। पुट साइड चैलेंजेस क्या है, लास्ट सेलिंग कहां हुई थी, लास्ट बाइंग कहां हुई थी, ये कोई भी सेमिनार में कोई भी कोर्स में आपको सिखाया नहीं जाएगा। और जब मैं ऐसा सिखाता हूं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लोगों को ये चीज पसंद नहीं है, लोगों को शॉर्टकट दे दो, उसके उनके पास बैठ के उनको खाना खिला दो, ये सब पसंद होता है। सो देयर आर पीपल हु विल मेक कमेंट्स कि अरे ये सब काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता। वो लोग आरएसआई की दुनिया में बिजी हो जाते हैं, बोलिंजर बैंड की दुनिया में, ये लोग कमेंट करके भाग जाने वाले लोगों में, ठीक है। मेरे पास ऐसे ट्रेडर्स मेरे ईमेल में या तो व्हाट्सएप में आते हैं जिनका दिमाग इस चीज में चलता है, वो थोड़ा भी सही पर थोड़े क्वार्टर में कैपेबल बन के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ऐसे मेरे पास बहुत ट्रेडर्स आते हैं और ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, राइट। सो आई होप कि ये कंसेप्ट भी अच्छा लगा होगा। सी एवरीथिंग टेक्स अ टाइम, जजमेंट के बेसिस पे जजमेंट है तो टाइम लगेगा सीखने में, देयर इज नो एनी शॉर्टकट, दिमाग काम करना चाहिए अपना, वरना नहीं चलेगा अपना, राइट। तो जजमेंट में शॉर्टकट मत ढूंढो कि सर के वीडियोस देख लिए, सीरीज देख लिए, हाँ हम एक्सपर्ट्स बन गए, इट विल टेक टाइम, बट क्वेश्चन करना शुरू कर दो, चार्ट को पढ़ना शुरू कर दो, अपने आपको क्वेश्चन पूछो, मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। अभी आज जिस तरह से मार्केट हुआ है, ये रेजिस्टेंस वन, ये रेजिस्टेंस टू, ये रेजिस्टेंस थ्री, ठीक है, यहाँ पे उसने बता दिया, तो बहुत अपसाइड तभी आएगी ना मार्केट के लिए कि जब ये क्लोज करेगा, अपसाइड के लिए क्लोज करेगा, वरना नहीं करेगा। और नीचे की तरफ जब तक ये लेवल नहीं टूटे, एग्रेसिव पुट में भी नहीं जा सकते, इतनी बड़ी रेंज के लिए अगर यही कहीं पे ही 300-400 पॉइंट की रेंज में पुट में चले गए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बैंड बजेगी। सिर्फ एक बड़ी रेड कैंडल का डिसअपॉइंटमेंट देख के पुट में नहीं जा सकता, ये बायर्स कौन देखेगा, ये बायर्स यहीं पे दूसरी बार एक्टिव होंगे, तो ये एरिया में इवन इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर अ पुट, आई गो फॉर ओनली 50%, आई मेक श्योर आई वॉच दिस टू पॉइंट्स, भाई मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किस तरह से ओपन हो रहा है, या तो अगर वो गैप डाउन होता है और यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो मैं तो यहाँ पे एंट्री करूंगा भैया कॉल साइड के लिए, क्योंकि मुझे पता है नीचे तो बायर्स का पहाड़ लगा पड़ा है, राइट। इस तरह से गेम को जीता जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लाइव विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहां पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3-6-12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।